की नहीं कर रहे, हम सिर्फ तरक्की कर रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ना तो तरक्की हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफिज़ है वो इस मुल्क को ले के ना, मतलब उसी के आसरे पे हम ना, तो कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। काफर मुल्क है ये तो आएंगे आगे, ये पाकिस्तान थोड़ा अच्छा। उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफर है, काफरों की काफर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को काफर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि देखें एक सेल फोन जहाँ पे नहीं हो रहा और हम तो बात करते हैं, हमें दुश्मन के बच्चों को पहले अपने बच्चों को तो आप पढ़ाएं। वो एक हम लोगों ने सॉन्ग रिलीज किया था ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो भाई हाँ हम खुद नहीं पढ़ पा रहे तो दुश्मनों को क्या पढ़ाना। किस तरह ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? जो पाकिस्तान की बात करता है वो ही मारा जाता है। सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा, उसने पाकिस्तान की सपोर्ट की, वो मारा गया। अच्छा, तो ये तो ऐसे सिस्टम चलेगा। को हम अपने वोट बैंक के लिए लोगों को प्रोपेगेंडा करके इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, वोट तो हमें मिल गए लेकिन हमने इस मुल्क के साथ बड़ा नुकसान कर दिया। आपको लगता है कि एक्चुअल में इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों। वंदे भारत ट्रेन के सफलता के बाद भारत के रेल मंत्रालय ने भारत में ही मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने की घोषणा की है, जो भारत की आज तक की सबसे ज्यादा स्पीड यानी 250 किमी प्रति घंटा होगी। आज नहीं रहे, हम सिर्फ नीचे आ रहे हैं हर मामले में। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी अरसा पहले ये जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनकी पहले उन्होंने शुरू की, उसके अलावा वो और मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, जो चीज़ें हम BSc में जो पढ़ते हैं ना BS में, वो अपने बच्चों को FSc और इंटरमीडिएट और मैट्रिक में वो उनके बच्चे इंडिया में वो चीज़ें इत पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जिन्होंने ये हर किस्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले थे उनको उन्होंने एक तहफ्फुज था तो मुहैया इत करना था ताकि वो खुल के काम करते, वो यहाँ पे काफिर काफिर करते रह गए और वो काफिर मुल्क देखे हमसे कितना आगे निकल गया। हमारी सोच यहीं तक महदूद है, इंडिया काफिर, इसराइल काफिर। मैं इसराइल की तो बात नहीं करती लेकिन मैं इंडिया की बात जरूर करूंगी कि वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सुपर पावर बनने जा रहा है, दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया है, तीसरी बनने के करीब है। ये जो आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब है ना, ये सबको छोड़ देना, पाकिस्तान की तरफ ध्यान दें तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। आज अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ये तलवे चाटने छोड़ दें तो पाकिस्तान वर्गी कुछ चीज ही नहीं है। हर चीज तो पाकिस्तान से जाती है, क्या नहीं जाता? क्या जाता है पाकिस्तान? पाकिस्तान से सब चीज जाती है, गंदम जाती है, चावल जाते हैं और थोड़े सामान जाता है। ये तो हमारा सियासतदानों का कसूर है ना कि वो अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है। बिल्कुल सियासतदानों का कसूर है, इसमें हमारा भी ज्यादा कसूर है, क्योंकि हम ये देख लेते हैं कि नई हुकूमत आई है उसने हमारे लिए सस्ता क्या किया है। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, उन्होंने आते ही सस्ता आटा सस्ता कर दिया है। इसमें जो अब किसान है, किसान वो तो गरीब 16,000 रुपए की वो खाद डाल रहा है, 15,000 रुपए की कोई बोरी लेके खाद की डाल। आपको बता दें कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलेगी, जिसका निर्माण सितंबर 2017 में शुरू हुआ था। ये ट्रेन आमतौर पर 250 किमी प्रति घंटा से दौड़ेगी। ये जापान की मदद से 508 किमी लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण है। इस ट्रेन में जापानीज शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की तकनीक का उपयोग किया है। लेकिन दोस्तों, भारत ने आज तक खुद की बुलेट ट्रेन की तकनीक विकसित नहीं की थी, पर भारत खुद की बुलेट ट्रेन की तकनीक विकसित कर रहा है और ये 2026 तक बनके तैयार होगी। ये मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी। बता दें कि डिजाइन चेन्नई में भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF में तैयार किया जा रहा है। भारत में निर्मित बुलेट ट्रेन उत्तर दक्षिण पूर्व कॉरिडोर पर चलेगी। डर रहे होते हैं कि पता नहीं हम ये कर रहे हैं, उनको ऊपर से मंजूरी होनी भी है कि नहीं होनी। ये बताएं अभी तक कितने हम एडवांस है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में कितनी रिच कंट्री है पाकिस्तान, ये बताएं। हम ना एडवांस हैं ना हम रिच कंट्री हैं, हम सिर्फ डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। एजुकेशन में देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, हमारे पास क्या है? एक सेल फोन हम तैयार नहीं कर रहे, अपना थोड़ी बनाया हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हम तो सेल फोन ही एक नहीं हमारे पास हो रहा तैयार। हम बस ये है कि जो चीज चाइना से आती है वो बस हम, ये ना प्रायोरिटीज होती हैं। बच्चों से अभी हमें फुर्सत नहीं मिल रही, उनको हमने इतना पढ़ा दिया, वो तो बुलेट ट्रेन भी तैयार कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में इलेक्ट्रिक कार्स भी तैयार कर रहे हैं। जब उनको हम किसी लेवल पे पहुंचा देंगे ना, फिर शायद आए कि हम अपने तो बच्चों के बारे में सोचें और फिर हम तरक्की करें। चाहे क्या उनको
हमने कहा था हमने दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना, तो दुश्मन भी हैं तो वो तरक्की भी कर रहे हैं, तो फिर हम ही उनको पढ़ा रहे हैं ना। हम कैसे पढ़ा रहे हैं सर, उनकी अपनी किताबें हैं, उनका निज़ाम तालीम एक जैसा है, मॉडर्न तालीम है वहाँ पर, वहाँ के साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, वहाँ की जदीद टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ उनकी अपनी है, तो हम कैसे उसमें किरदार अदा करें। हमारा फोकस एक चीज़ पर है कि हमने सॉन्ग रिलीज़ करने हैं, तो हमने सॉन्ग में कह दिया, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, हमने सॉन्ग में कह दिया है हमने दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है, शायद कोई गाना ऐसा भी रिलीज कर दें तो हो सकता है इनके हमारे बच्चे, मजाक कर रहा हूँ ना, टोंट कर रहा हूँ। देखिए हमारे जो सियासतदान है या वर्ल्ड बैंक है, उनका ये कहना है कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, जिसको ये मेरे भाई जो है काफर मुल्क कह रहे हैं, और अगर उनके साथ हमारी तजारत शुरू होती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा, और जो कि अगर हम जो IMF के पास $3 मिलियन के लिए जो उनके तरले मिनते डालते हैं, फिर हम $25 मिलियन की हर साल जो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। देखो जी पाकिस्तान दे विच ना ये ते सारा जो बाहरों पैसा आता पाकिस्तान च घट ही आता है, और जेड़ा कर्जा हुण लिया है भाई रमजान वास्ते इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ पे बोतलें नहीं मिल रही, लेकिन अगर बात करें इंडिया के अंदर, आपको पता है उन्होंने रमजान में मुसलमानों को कितना रिलीफ दिया है? किसने? इंडिया ने? इंडिया ने, नहीं हमें नहीं पता। इंडिया ने अब वहाँ के मुसलमानों के लिए चीजें सस्ती कर दी है वहाँ पे रमजान के महीने में। इंडिया दे विच एक चीज की खुशी है सानू, बत्ती दी, जेडे टूवल उत्थे लगे हुए उन्होंने बत्ती फ्री है, ठीक है। इत्थे जेड़ा टूवल ला लैंदा है उन्हें पानी तो लाना ही लाना है, उन्हें तो पानी नहीं बेचता जिन्हें पिछले बिल आया खड़ा होंगे, तो वह की करे। इतने जोड़ा 100 तो वो यूनिट चला 50 रुपए 60 रुपए यूनिट, क्यों इतने बत्ती नहीं पैदा होंगी? हमारे जो ऊपर बंदे तो बैठे हुए हैं ना, उनकी ये प्रियोरिटी नहीं है, उनका सिर्फ अपना पेट भरना, उनका अपना आप ये दूसरों पे काम करना, जो जो कहता था ना कि दूसरों के बारे में सोचें, उसको उन्होंने जेल में बिठा दिया। उसका नाम अगर मैं शायद लूँ तो आपकी ये वीडियो भी कहीं ना कहीं वो हो जाए। तो मसला ये है कि हम तरक्की नहीं कर रहे, हम सिर्फ तरक्की कर रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, तो ना तो तरक्की हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफिज़ है वो इस मुल्क को ले के ना, मतलब उसी के आसरे पे हैं हम ना, तो कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। देखें एक सेल फोन जहाँ पे नहीं हो रहा, और हम तो बात करते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को, पहले अपने बच्चों को तो आप पढ़ाएं। वो एक हम लोगों ने सॉन्ग रिलीज किया था ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो भाई हाँ हम खुद नहीं पढ़ पा रहे तो दुश्मनों को क्या पढ़ाना है? उनके बच्चे कैसे हो सकता है कि हम उनके बच्चों को पढ़ाएं? वो गूगल की कंपनी है, हर कंपनी के जो CEO हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ज़्यादातर वो इंडियंस हैं, और हम अफगानिस्तान की जो करेंसी है ना, तो हमारी करेंसी स्टेबल है, बस अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। ये बताएं वो बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं, हम यहाँ क्या बना रहे हैं? हम यहाँ पे कैदियों को, हम यहाँ पे तो दोस्तों भारत में बन रहे मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।